मोर नमः शिवाय। दोस्तों, मैं राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धन और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 6 अप्रैल 2023 की सुबह है, 10:50 पर शुक्र मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 2 मई 2023 तक शुक्र वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस परिवर्तन से आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र को दाम्पत्य सुखों का, कला प्रतिभा सौंदर्य का, भोग विलास का, संगीत का, पारिवारिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का पूर्ण रूपेण आधिपत्य होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं और ये मीन राशि में उच्चस्थ स्थितियों में होते हैं और कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं। शुक्र की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो, मजबूत हो, तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। शुक्र ग्रह यदि मजबूत हो तो जिंदगी के सफर में सुखमय स्थितियां लगातार बनी रहती है। जातक को मटेरियलिस्टिक सुखों की प्राप्ति जीवन में हमेशा होती है। शुक्र के बलि होने पर जातक अपने शरीर की सुंदरता और वाणी की मिठास के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सफल होता है। शुक्र बलि हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि उत्पन्न होती है और सफलता भी देखने के लिए मिलती है। शुक्र बलि हो तो जीवन में मान सम्मान भरी स्थितियां ज्यादा देखने के लिए मिलती है और पारिवारिक जीवन का, कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग और सुख देखने के लिए मिलता है। वहीं जन्म कुंडली पर निर्बल और अशुभ शुक्र के होने पर, पाप ग्रहों के प्रभाव में होने पर, अस्तगत स्थितियों में शुक्र के होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्र यदि पीड़ित हो जाए तो मान सम्मान की कमी, ऐसा जातक अनैतिक कार्य करने वाला हो जाता है। शुक्र के पीड़ित होने पर दाम्पत्य तनाव, दाम्पत्य संबंधों में प्रतिकूलता और भौतिक सुखों में कमी देखने के लिए मिलती है। शुक्र पीड़ित हो जाए तो यौन जनित रोगों की अधिकता शरीर में हो जाती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि के जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए आपके दूसरे भाव यानी धन भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो 6 अप्रैल 2023 को आपके राशि के द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं, राशि के दूसरे भाव से पारिवारिक स्थितियों के बारे में, धन के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, मुख और वाणी के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो शुक्र का यह परिवर्तन आपके जीवन में कई प्रकार की सफलता देने वाला है। सबसे पहले आपके वाणी और व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातक बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। इस परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों के अंदर लीडरशिप क्षमता में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। इस परिवर्तन से आपके जीवन में मान सम्मान भरी स्थितियां आपको देखने के लिए काफी ज्यादा मिलने वाली है।
यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, तो आपके जीवन में व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक सफलता प्राप्त होने की प्रबल संभावना इस परिवर्तन से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। धन भाव पर शुक्र मौजूद होकर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अकस्मात धन के कई स्रोतों का सृजन करने वाले हैं और आपके जीवन में धन आगमन की प्रबल संभावना निर्मित हो रही है। यदि आप शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, कोरियोग्राफर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं, चाहे कपड़ों की दुकान हो, बुटीक की दुकान हो, सजावटी फलों की दुकान हो, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों में काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, शुक्र आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, जो काफी अच्छी कंडीशन में रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में तनावपूर्वक स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, इससे आपको जीवन में निजात देखने के लिए मिलने वाली है। संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना भी इस परिवर्तन से आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। तो इस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र को अनुकूल और मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सायंकाल सफेद चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, जिसमें चावल, दही, घी, सफेद कपड़े या श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजों का यदि आप दान करते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। शुक्र को मजबूत करने के लिए मेष राशि के जातकों को शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी की के ऊपर अभिषेक करना बेहतर रहने वाला है और श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।